हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैप ग्रो चैनल। दोस्तों, आज स्टॉक के बारे में बात करेंगे। वो स्टॉक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है और बहुत शानदार स्टॉक है और काफ़ी लोगों का रुझान है इसमें अभी बाइंग का, और बहुत लोगों ने सजेशन किया था कि इस पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये केमिकल सेक्टर का जो स्टॉक है, काफ़ी इसका जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी डिमांडेड प्रोडक्ट्स है, और इसके ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वो आने वाले टाइम में, फ्यूचर टाइम में बहुत डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स के, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे प्राइस लेवल पर आ रहा है और अट्रैक्टिव प्राइस पर आने का और संभावना है इसमें। और लास्ट वीक इसमें गिरावट देखने को मिला था, काफ़ी 10% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। तो सही टाइम है इसमें, और थोड़ा सा वेट करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए उसका डिटेल हम लोग एनालिसिस करेंगे आज, वो कौन सा केमिकल सेक्टर का शानदार स्टॉक है। और ये स्टॉक ने करीब करीब तीन सालों में करीब करीब 15 गुना रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को। तो अभी इसमें देखते हैं पोटेंशियल कितना बाकी है और कैसा रहेगा इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी, आप सभी को पता होगा, हिमाद्री है, हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल्स लिमिटेड है, जो कि बहुत शानदार मल्टीबैगर पास्ट में बन चुकी है और आने वाले टाइम में भी एक बड़े मल्टीबैगर होने वाली है स्टॉक। तो इसके अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट्स आपके सामने में है। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, देख सकते हैं, एडवांस कार्बन मटेरियल्स, कार्बन ब्लैक, कोल टार पीच इनके प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत डिमांडेड है इनके। और यहाँ पे नेपथेलिन डेरिवेटिव्स है, SNF है, PCE है। इसके बारे में हम लोग उतना जानकारी नहीं है किस टाइप का क्या है, लेकिन इसका जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, और इसका डिटेल आपको वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। तो पढ़ सकते हैं इसके सारे प्रोडक्ट्स और उसके प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वो सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं कोरेशियन प्रोटेक्शन है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑयल्स है, पावर्स है, इतने सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा जो ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं इनके प्रोडक्ट्स, वो देख सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी जो कि फ्यूचर है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें ये यूज़ होते हैं इनके प्रोडक्ट्स। एल्युमिनियम है, उसमें यूज़ होते हैं, ग्रेफाइट में यूज़ होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में भी इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और टायर मेकिंग में, टायर बनाने भी इनके प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इनसे डिमांड होता है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि जो भी इनके डिमांड, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो जिस इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, वो इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे और काफ़ी डिमांडेड इंडस्ट्री है। तो फ्यूचर भी इस इंडस्ट्री का अच्छा है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट खपत होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल रबर गुड्स हैं, जो मैकेनिकल में रबर यूज़ होते हैं उसमें इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, प्लास्टिक में इनके यूज़ होते हैं, और डाइंग पेंटिंग वगैरह में जो है उसमें भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सारा डिटेल आप यहाँ वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल वगैरह देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल लिमिटेड है, और यहाँ इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है 116.45 रुपये है, जो कि 14.25 रुपये का इसमें फ्राइडे को डाउन देखने को मिला था। यहाँ पर करीब करीब 11% के आसपास इसमें डाउन देखने को मिला था। यहाँ से वॉल्यूम भी बहुत शानदार, इसमें वॉल्यूम अगर इसको काउंट करें तो आप देख सकते हैं 21,000, 10,000, 10,00,000, 21,62,000 के आसपास इसमें वॉल्यूम है। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम मानेंगे इसको। और यहाँ पे जो मल्टीबैगर बना था वो आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये लो बनाया था 2016 में, जो कि 12.46 रुपये के आसपास ये स्टॉक था 2016, मान के चलिए यहाँ 2015 दिसंबर है, 2016 के आसपास में, जनवरी के आसपास में ये करीब करीब वही 12-13 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसने हाई लगाया था 2018 जनवरी में। तो करीब 3 साल के आसपास में ये स्टॉक ने बहुत शानदार, आप देख सकते हैं कि 3 साल के दो कितना हुआ, 3 साल आप यहाँ पे 2016 जनवरी और 2018 जनवरी, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास में ये स्टॉक ने, आप देख सकते हैं कि 190-92 के आसपास का ये हाई लगाया था। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 गुना से भी ज़्यादा स्टॉक, 15 गुना के आसपास ये स्टॉक 2 सालों में अपने इन्वेस्टर को दे चुका है। और उसके बाद ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, इस साल पूरा इसमें गिरावट देखने को मिला है, और इस साल इसने लो बनाया था 106 रुपये के आसपास लो बनाया था, उसके बाद फिर इसने हाई गया 132-142 रुपये के आसपास गया था, और फिर इसमें गिरावट देखने को मिला, और ये स्टॉक आज 116 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में किसा है, मल्टीपैगर बन चुका है और लोग काफ़ी वेल्थ कमा के दिया है। वहीं पे सेंटीमीटर की बात करें तो इसमें देखिए 86% बाइंग का रुझान है सेंटीमीटर, और 14% सेल का रुझान है। अगर यहाँ पे
थोड़ा मार्केट कैप वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे 4,876 करोड़ का मार्केट कैप है और स्मॉल कैटेगरी में ये स्टॉक आता है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस पर रहने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पे जो पी रेशियो है यहाँ पे देख सकते हैं 16.69 का पी रेशियो है। ईपीएस भी करीब 7 के आसपास का ईपीएस है इसमें, और इसमें डिविडेंड थोड़ा कम देती है कंपनी। कंपनी अपने ग्रोथ पे पैसा खर्च कर रही है, डिविडेंड ज़्यादा नहीं पे करती है, 10% के आसपास डिविडेंड पे करती है कंपनी अपने इन्वेस्टर को। और जहाँ पर इंडस्ट्री की पी रेशियो है 41.1 का, वहीं पर इसका पी रेशियो 16.69 का, तो इसका भी इंडस्ट्री के पी से भी नीचे स्टॉक चल रही है, तो इसमें संभावना भी उठने का काफ़ी अच्छा है। और इसमें डिलीवरीज़ भी करीब करीब 40-45 के आसपास डिलीवरीज़ है, फेस वैल्यू 1 रुपये का फेस वैल्यू है इसका। और पिछले लास्ट क्वार्टर का अगर हम बात करते हैं इसका सेल्स और टर्नओवर प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 2017 दिसंबर का 500 करोड़ का इसका सेल्स था, उसके बाद बढ़ करके 550, 600, उसके बाद 601 का सेल्स है। प्रॉफिट में वहीं पर देख सकते हैं 70-75 के आसपास, 70-75 करोड़ हर क्वार्टरली कंपनी प्रॉफिट करती है। थोड़ा सा और अगर हम लोग डीपली एनालिसिस करें इसका एनुअली इसका ग्रोथ और इसका डेट वगैरह हम लोग चेक करें, प्रॉफिट चेक करते हैं, उससे पहले हम लोग एक बार यहाँ पे इसका म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट देखते हैं, इसमें इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड वालों का क्या रुझान है। तो इसमें देख सकते हैं 3 बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, फ्रैंकलिन, बैंक ऑफ इंडिया और प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे जो फ्रैंकलिन है पिछले 2 क्वार्टर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेप्टेम्बर क्वार्टर लास्ट ईयर में 2018 में इसने 0.837% का स्टेक बनाया था, उसके बाद इस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में इसने स्टेक को बढ़ाया है इस स्टॉक में और 0.8 से बढ़ा करके 1.24 का स्टेक किया है। तो इस म्यूचुअल फंड को इसमें पॉजिटिव देख रहा है, इसलिए इसने स्टेक को बढ़ाया। वहीं पे बैंक ऑफ इंडिया है जो कि पिछले लास्ट 4 क्वार्टर से सिर्फ 0.023% का स्टेक बनाया है। वहीं पर प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड है जो कि यहाँ पे लास्ट 4 क्वार्टर में स्टेक बनाया था और ये दिसंबर में इसने इस स्टॉक से निकल चुके हैं ये, तो ये कुल मिला के मिला जुला है। और यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो इनके प्रोमोटर होल्डर हैं वो इनका स्टेक है 48.95 का, ऑलमोस्ट 49 के आसपास प्रोमोटर के पास इसका स्टेक है, और फॉरेन इन्वेस्टर के पास भी इसका स्टेक है 2.37 का, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर 1.32 का डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास इसका स्टेक है। और इसके अलावा जो पब्लिक शेयर होल्डर है इस स्टॉक में, बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट है, दिलीप कुमार लाखी है, जो बीसी इंडिया जो सबसे बड़े इसमें पब्लिक शेयर होल्डर हैं, 24 के आसपास स्टेक बना के रखा है इसमें, और दिलीप कुमार लाखी जो है कि 1.36 का इसमें स्टेक बनाया है। फ्रैंकलिन आप देख सकते हैं 1.24 का स्टेक इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में बनाया इसने। और वहीं पे एनुअली हम लोग देखते हैं कि एनुअली में कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी के ऊपर कर्ज कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। 2012 मार्च में कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो टर्नओवर था, यहाँ पर देख सकते हैं 1,144 करोड़ का था, वो रेवेन्यू में देखिए कितना शानदार इजाफा हुआ है। वो रेवेन्यू अब मार्च 18 में करीब करीब 2,100 करोड़ का इसका रेवेन्यू है, तो बहुत शानदार रेवेन्यू कह सकते हैं। वहीं पर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट इस कंपनी को 2012 मार्च में 57 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद यहाँ पे कुछ समय तक प्रॉफिट में इसमें देखिए अप एंड डाउन देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे डाउन हुआ था करीब करीब 9.5 करोड़ का, उसके बाद बिल्कुल कंपनी निगेटिव में चली गई थी और यहाँ पे 57 करोड़ के आसपास निगेटिव रिटर्न किया था। उसके बाद मार्च 15 में करीब करीब 12.5 करोड़ का निगेटिव था, उसके बाद मार्च 16 में यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का 18.5 करोड़ के आसपास निगेटिव रिटर्न था। यहाँ से कंपनी टर्न अराउंड करी थी, आपको देख सकते हैं यहाँ के बाद कंपनी 14.5 रुपये के आसपास जो स्टेक था इसमें शेयर था प्राइस, वो इसके बाद सीधा 18.5 करोड़ के माइनस से कंपनी बाहर निकल करके 82-83 करोड़ के आसपास इसमें प्रॉफिट दर्ज किया था। उसके बाद मार्च 18 में सीधा इसमें कई गुना रिटर्न प्रॉफिट किया, इस वजह से इस स्टॉक के इसके चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त यहाँ से आपको मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ से लो बनाया था इसने करीब करीब 13-12 रुपये के आसपास, उसके बाद यहाँ से कंपनी जबरदस्त रिटर्न दिखाया है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला था, इस वजह से यहाँ इसके प्राइस में भी उछाल देखने को मिला है। वहीं पर अगर कंपनी का रिज़र्व देखते हैं, रिज़र्व पैसा कंपनी के पास पड़ा था 2012 में 855 करोड़ रुपये रिज़र्व का पैसा पड़ा हुआ था, वो भी बढ़कर के 1,371 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व पैसा है। वहीं पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग फंड है 1,414 करोड़ है, और जो डेट कर्ज की बात करें तो कंपनी के पास जो कर्ज 2012 में
करीब करीब 1100 के आसपास कर्ज हुआ करती थी, वो कंपनी धीरे धीरे कर करके रिड्यूस किया है कर्ज को, और काफ़ी अच्छा रिड्यूस किया है कर्ज में, कर्ज में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया और 660 करोड़ के आसपास अभी कर्ज है कंपनी के पास। तो कर्ज जो डेट रेशियो वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और इसके अलावा जो ईपीएस है, तो ईपीएस दिखाता है कंपनी में ग्रोथ कैसा है। तो यहाँ तक तो ईपीएस 2016 तक तो ईपीएस सही नहीं था, लेकिन 2017-18 में ईपीएस में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो ये रहा है स्टॉक, और आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ एक्सपर्ट का भी मानना है कि स्टॉक में बहुत अच्छा टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है थोड़ा एक्सपेंसिव है, आप वेट कर सकते हैं इसका रिजल्ट और इसका प्राइस में थोड़ा और नीचे 100 रुपये के नीचे आने का, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव है इसका प्राइस। अभी वेट करके इसमें एंट्री ले सकते हैं, और बिना एनालिसिस करें इसमें इन्वेस्ट ना करें, और कभी भी इन्वेस्ट करें थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट करें, एक बार पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें। अभी थोड़ा मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन है, तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करें ताकि आपको हर लेवल पर बाइंग करने का ऑप्शन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।